गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास थर्ड, क्लास थर्ड मैथ। क्लास थर्ड की मैथ में आपका पहला चैप्टर है चैप्टर वन, चैप्टर वन फोर डिजिट नंबर। देखिए चैप्टर नंबर वन फोर डिजिट नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले आपने थ्री डिजिट नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा। अब जो है क्लास थर्ड में जा रहे हैं। पहला चैप्टर है आपका फोर डिजिट नंबर। देखिए फोर डिजिट नंबर्स में आप थ्री डिजिट में जो भी नंबर्स होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं। फोर डिजिट नंबर में आपको 1000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर डिजिट में फोर कॉलम होंगे। जब राइट से पहला प्लेस आपका वंस प्लेस होता है, फर्स्ट राइट साइड से मान लीजिए कि देखिए सबसे पहला प्लेस होता है वंस, वंस के बाद टेंस आता है, टेंस के बाद 100 आता है, 100 के बाद आपका 1000 आता है। देखिए सबसे पहले प्लेस में जब आप राइट से करेंगे तो वंस प्लेस में जाएंगे, वंस प्लेस के बाद टेंथ प्लेस में आएंगे, ये सेकंड नंबर आपका। देखिए फर्स्ट नंबर पे आपका ये होता है, सेकंड नंबर पे आपका ये होता है, थर्ड नंबर पे ये आपका होता है और फोर्थ नंबर पे ये होता है। देखिए ये पहले फोर डिजिट का जो भी नंबर होगा उसमें चार कॉलम होंगे। सबसे पहले आप राइट साइड चलेंगे तो फर्स्ट कॉलम में वंस होगा, फिर दूसरे कॉलम में आएगा तो टेंस हो जाएगा, और तीसरे कॉलम में आएगा तो 100 होगा, और चौथे कॉलम में आएगा 1000। फोर डिजिट का नंबर जो होता है आपका 1000 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तो कई बार करते हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे किसी काम को अगर 100 बार करना हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर जब 100 से आगे करना है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो फोर डिजिट नंबर्स के लिए सबसे पहले देखिए दिया है ध्रुव टीम स्कोर फॉलोइंग रन्स इन द फाइव टेस्ट मैच। ध्रुव की टीम जो है पांच टेस्ट मैच खेली और पांच टेस्ट मैच का स्कोर कितना है। देखिए सबसे पहले दिया है 159, 253, 194, 301 और ये 200। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये फर्स्ट टेस्ट मैच का है, ये फर्स्ट टेस्ट मैच है, ये सेकंड टेस्ट मैच का है, ये थर्ड टेस्ट मैच का है, ये फोर्थ टेस्ट मैच का है और ये फिफ्थ टेस्ट मैच का है। तो अगर इसको वर्ड में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं वन, क्योंकि देखिए थर्ड कॉलम में 100 है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। इधर आपका राइट होगा, इधर लेफ्ट। राइट से हम लोग चलेंगे तो पहला कॉलम वंस का है, सेकंड कॉलम टेंस का है, तीसरा कॉलम 100 का है। अब हम इधर से नंबर को पढ़ रहे हैं, इसको नंबर नहीं मिल रहे हैं। देखिए तीसरे कॉलम में 100 है तो तीसरे कॉलम में 100 में 100। उसके बाद फाइव नाइन क्या होगा, 59, यानी कि 159 हो गया। इसी तरह इसको करेंगे, यहाँ लिखेंगे 200, 253। फिर इसी तरह तीसरे में लिखेंगे 194। इस तरह से यहाँ हो जाएगा 300, 301 और लास्ट में हो जाएगा 200। देखिए ध्रुव की टीम में फाइव टेस्ट मैच खेले हैं, फाइव टेस्ट मैच में उसका सबको ध्रुव की टीम का स्कोर कितना है, जिसको हमने नंबर देने के लिए दिया नंबर समय। अब उसके बाद मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है फोर डिजिट नंबर। फोर डिजिट नंबर में आइए, ये तो आपका थ्री डिजिट नंबर था। फोर डिजिट का नंबर क्या होता है, 1000 से स्टार्ट होता है। अब जो नंबर आप पढ़ेंगे 1000 से स्टार्ट करेंगे,
अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए फोर डिजिट नंबर्स में सबसे पहले क्या आपको याद है कि डू, देखिए टॉपिक है फोर डिजिट नंबर्स। फोर डिजिट नंबर्स का मतलब होता है कि एक साथ चार नंबर अगर आपको दिए जा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे। चलिए डू यू रिमेंबर, क्या तुम जानते हो, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर द ग्रेटेस्ट, डू यू रिमेंबर द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर। क्या आप जानते हैं थ्री डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? इफ वी एड, अगर हम कह, इफ वी एड, अगर हम वन टू, जब उसमें हम वन को जो भी थ्री डिजिट का जो भी नंबर होगा जब उसमें वन ऐड करते हैं तो लिखा है वी गेट द स्मॉलेस्ट नंबर, वी गेट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। देखिए ध्यान से, अगर आपको थ्री डिजिट का नंबर मालूम है, अगर याद है, उसके बाद जैसे ही हम उसमें वन ऐड करते हैं तो वो नंबर फोर डिजिट का हो जाएगा और वो फोर डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट होगा, मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए यहाँ पे थ्री डिजिट का नंबर 999 है, थ्री डिजिट का नंबर 999 होता है, ये आपको मालूम है। उसके बाद क्या, इफ वी ऐड वन, जैसे ही इसमें हम वन ऐड कर देते हैं, देखिए हमने वन ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला, जैसे ही 1 2 3 4 इसमें कितना आ रहा है, 4 डिजिट हो जाते हैं और ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। 3 डिजिट के कुछ समझिए, 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में जैसे ही आप उस पे 1 ऐड करेंगे तो जो भी नंबर 4 डिजिट का होगा वो सबसे छोटा नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि अगर आपको और भी आसानी से समझना तो इसके लिए देखिए आप दिया है यहाँ बॉक्स दिया है, एक बॉक्स में 100 होता है, एक बॉक्स में कितना होगा आपका, देखिए ध्यान से 1 2 3 4, देखिए ध्यान से, देखिए एक बॉक्स में ही आपका 900 होता है, देखिए आप इसको कौन, देखिए एक बॉक्स में 100 स्क्वायर होंगे, एक बॉक्स है, मान लीजिए बॉक्स है, सपोज करिए ये बॉक्स है, इसमें क्या करेंगे, साफ उधर से करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से ऐसे करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसका और की नाम बढ़ा सकते हैं, 7 क्या मेरा 8 ये 9 और ये 10, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे इसको और बढ़ा देंगे 9, फिर इसको आप बढ़ा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक बॉक्स में अगर यहाँ 10 रो है और 10 कॉलम है, यहाँ बॉक्स देखिए दिया हुआ है 10 रो है 10 कॉलम है, तो एक बॉक्स में 100 स्क्वायर हो जाएंगे, इसको काउंट करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए पहले यहाँ पर जो बॉक्स दिया है ये 900 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए ध्यान से, एक बॉक्स में कितना 10 पीस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टेंस को क्या, से 1 टेंस में क्या 10 होता है, 9 टेंस में 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ एक एक करके एक एक स्क्वायर को अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे 9 हो गया, तो
जैसे ही आप ये कितना हो जाएगा 999, और जैसे ही 999 में जब आप 1 ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1000। तो 1000 जो होता है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है। और उसके बाद देखिए ध्यान से, फोर डिजिट का लिखिए आपका 1000 तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और कह रहा है आल्सो, आल्सो मतलब वास्तव में, जैसे इसमें 9999 इज द 9999 इज द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। 9999 जो होता है फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। इसको जो है हम लोग कहेंगे इसको देखिए कह रहा है इट कैन बी, अब इसको लिखना है तो इट कैन बी रिटन है, अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखिए, इट कैन बी रिटन है 9999। इसको अगर लिखना है नेमिंग नेम तो 9999। अब देखिए रिलेशन, अब इसका अगला जो टॉपिक है, अब आपको रिलेशन बिटवीन वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड के बारे में समझाने का। देखिए ध्यान से क्या कहा, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन वंस टेंस हंड्रेड को हम लोग 1 टेन, 10 वंस का मतलब यही होता है कि
कम से कम 10 ही पीस आ सकता है। अगर 10 पीस से ज्यादा होगा तो उसको 110 हम लोग नहीं बोलेंगे। तो 10 बॉन्ड्स को 110 होगा, 100 बॉन्ड्स को 100 बोलते हैं, 1000 बॉन्ड्स को 1000 बोलते हैं, 10 टेंस को 100 बोलते हैं, तो 10 टेन जो 100 होता है। फिर 100 टेंस को अगर 100 एक पैकेट में अगर 100 हो रहा है, उस तरह अगर 10 पैकेट आपको दिए जाएंगे तो 1000 बन जाएगा। और 10 अगर एक पैकेट में अगर 100 आ रहा है, एक पैकेट में अगर 100 है, तो अगर आपको 10 पैकेट दिए जाएंगे तो वो 1000 होगा। इसी तरह कह रहा है कि जब हम लोग 4 डिजिट नंबर को दिखाना होता है, देखिए कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर्स को अगर हमको दिखाना है, उसके दो तरीके, एक होता है क्यूब के द्वारा, एक होता है वापस के द्वारा। अगर आपको 4 डिजिट नंबर को दिखाना है तो इसको हम दो तरीके सिखाएंगे। एक होता है क्यूब्स के द्वारा, जो आइस क्यूब्स होती है, और दूसरा होता है एबॉकस। एबॉकस के बारे में आपको हमने एबॉकस के बारे में आप जानते भी हैं, क्योंकि आप सेकंड क्लास में भी किसी भी नंबर को आपको 1/100 में जो एबॉकस को दिखाते थे तो वो आपको मालूम है। इसलिए आज जो है हम केवल आपको इतना ही समझाएं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगले वीडियो में हम आपको टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स की बात करेंगे। 4 डिजिट नंबर्स को बताएंगे कैसे दिखाया जाता है, और उसके बाद जो एक्सरसाइज होगी वो हम आपको कराएंगे। जो एक्सरसाइज होगी उसको हम आराम से आपको कराएंगे। आज के लिए भी पहला ये फर्स्ट डे, इसके पहले वीडियो में आपको केवल यही सारी चीज़ें पढ़नी है, इसको समझना है, उसके अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।